Welcome to all. Today I am going to discuss with you a poem whose name is There Was a Naughty Boy. It is in the class 4th and the chapter number is 3 and the writer's name is John Keats. So let's recite the poem. There was a naughty boy, and a naughty boy was he. He would not stop at home, he could not quite be. He ran away to Scotland, the people for to see. There he found the ground was as hard, that a yard was as long, that a song was as merry, that a cherry was as red, that lead was as weighty, that postcode was as 80, that a door was as wooden as in England. So he stood in his shoes and he wondered. So here you can see the writer's name is John Keats. So now I'm going to explain you. So look your book carefully. There was a naughty boy, and a naughty boy was he. वहाँ पे एक लड़का था. कहाँ पे? There was means in England. So in England there was a naughty boy, एक मस्तीखोर लड़का था, जो कि कभी भी घर पे चुपचाप शांत नहीं रह पाता था. He ran away to Scotland. To why? He ran away for see the people of Scotland. He ran away to Scotland, the people for to see. उसको वो एक means एक ऐसा लड़का था कि उसको new things उसको देखना पसंद था. So he went to Scotland. There he found वहाँ पे वो देखा that the ground was as hard that a yard. Okay, जैसे इंग्लैंड का ground hard था, ठीक है, वैसे ही स्कॉटलैंड का भी ग्राउंड हार्ड था और बहुत लंबा भी था और यार्ड भी था. ओके, दैट इज सॉन्ग वाज अस मेरी. जैसे इंग्लैंड का सॉन्ग बहुत खूबसूरत था, वैसे ही स्कॉटलैंड का सॉन्ग भी बहुत खूबसूरत सॉन्ग वो लोग गाते थे. दैट इज चेरी वाज अस रेड. जैसे इंग्लैंड का चेरी रेड कलर का था, वैसे ही स्कॉटलैंड का चेरी भी रेड था. वाज अस वेटी, दैट लीड वाज अस वेटी. और वहाँ का मिनरल्स एंड प्रॉपर्टी सेम लाइक इंग्लैंड था. देन दैट इज पोस्ट कोड वाज अस 80. वहाँ का गिनती जैसा था, इंग्लैंड का गिनती जैसा था, वैसे ही स्कॉटलैंड का भी गिनती वैसे ही वो लोग गिनते थे. देन दैट ए डोर वाज अस वुडन. और वहाँ का डोर सब, वहाँ का दरवाज़ा सब वुडन था, स्कॉटलैंड का जैसे इंग्लैंड का भी डोर वुडन था. सो ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड. सो वो लड़का एकदम से खड़ा हो गया चुपचाप और सोचने लगा और ढूंढने लगा कुछ न्यू थिंग्स. बट ही कुड नॉट फाइंड एनी न्यू थिंग्स एट ऑल बिकॉज एवरीथिंग वॉज सेम एज इंग्लैंड इन स्कॉटलैंड. सो देर वॉज नथिंग डिफरेंट. ओके, थिंग्स ही गॉट. ओके, एवरीथिंग वॉज सेम एज इंग्लैंड. सो एज वी आर ऑल्सो एज ह्यूमन बींग वी आर ऑल्सो थिंकिंग दैट वी विल सी समथिंग न्यू. और हम लोग सोचते हैं कुछ बाहर जाने से कुछ न्यू थिंग्स हमको मिलेगी. बट एवरीथिंग वॉज सेम. और द नॉटी बॉय ऑल्सो वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड समथिंग न्यू. बट एवरीथिंग वॉज एज यूजल इन इंग्लैंड, सेम टू सेम. बट इन आवर प्रेडिकमेंट्स एक्सेप्ट समथिंग न्यू. ओके, we are in our predicaments we are thinking that we will get something new, so we are going away to find out something new in different country like this boy. So this is the poem about the naughty boy of England. So I hope it will help you. So if you have any doubt then you can ask me in the comment box. Thank you.